हमारे झारखंड न्यूज के सभी दर्शकों को मनीष कुमार का जो आज ब्लॉक परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, स्पेशली डीलर लोग के साथ में जो हमारे बीएसओ प्रभार के रूप में भी हैं, उन्होंने मीटिंग का आयोजन किया। अभी हमारे साथ सुमित्रो जी हैं, ये डीलर हैं बेड़ो पंचायत के, इनसे जानते हैं कि आखिर आज जो हुआ वो क्या हुआ। नमस्कार सुमित्रो जी, ये बताइए जो आज मीटिंग रखा गया वो किस संदर्भ में मीटिंग रखा गया। हम लोग को कल ही खबर चला कि जिला से एक मीटिंग कॉल किया गया था, जिसका माध्यम ये थे, तो इसमें यही हम लोग को स्पेशल बोला गया है कि जो डबल UID है, बहुत ऐसा आदमी का मैंने एक दूसरे कार्ड में भी नाम इंक्लूड है, तो वही नाम लोग को हम लोग को छटनी करके देना है, ताकि वो जो अवैध कार्ड है उसको डुप्लीकेट कार्ड मान के चलिए, वो आपका एगो रद्द हो जाए और एगो फिर आपका कुछ, अगर वो जो रद्द होता है तो ये वो गरीब परिवार को ये चीज मिल जाए। आज मनरेगा भवन बेड़ो में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अवनी कुमार झा और प्रखंड के समस्त डीलर के बीच एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसओ प्रभार के सभी डीलर्स को संबोधित करते हुए बताया कि लगभग प्रखंड में 900 ऐसे कार्ड बन गए हैं जिनमें संलग्न UID डुप्लीकेट है, उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। साथ ही वैसे राशन कार्ड जो सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्गत पैमाने को पूरा किए बिना है, उन्हें चिन्हित कर लिया जाए और रद्द किया जाए, ताकि जो सरकार के पास पेंडिंग आवेदन है उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जाए, ताकि गरीब व्यक्ति राशन का फायदा उठा सके। माल हमको कम मिला तो हम 10 आदमी को माल कम दे रहे हैं, अब इसको मैनेज करके हम लोग चल रहे हैं जैसे व्यवस्था है भाई, चलो बाबा आयो दादा करके डीलर सबसे लचार बन गया। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यहाँ यही है ना कि हर डीलर का माल 1 से 1.5 क्विंटल हर महीने कम रहा है, अब क्या करें। आज एक मीटिंग हुआ स्पेशली बीएसओ प्रभार के रूप में भवानी कुमार झा जी हैं और डीलर के बीच में मीटिंग हुआ। जानते हैं सबसे क्या कि मीटिंग किस रीजन से रखा सर, आज एक मीटिंग रखा गया इसका मेन रीजन क्या था? इसका मुख्य रीजन है कि हम बेड़ो प्रखंड में डुप्लीकेट UID कार्ड की संख्या 900 कुछ है, जिसको रद्द कराना, और कुछ हमारे नॉन लिफ्टर कार्ड भी हैं, मतलब कुछ ऐसे भी कार्डधारी हैं जो चावल अपना नहीं ले जाते हैं जनवितरण दुकान से, इतनी से वो तो या तो यहाँ नहीं रहते अपने गांव में या बाहर रहते हैं, या किसी कारण से नौकरी में चले गए हों या जो भी कारण हो, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी भी जिंदा है, तो ऐसे कार्ड को हम लोग को रद्द कराना है, ताकि कुछ गरीब जनता जिसका कार्ड राशन कार्ड बन सके। सर ये सिर्फ UID जिसका डुप्लीकेट है और उसके बाद वो दोबारा राशन कार्ड बन गया है उसको सिर्फ रद्द कराना है, कि या फिर जो इस चीज़ पे खड़े नहीं उतरते, कुछ कुछ जैसा ऐसा मैटर है कि किसी के पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है, बिल्डिंग भी है, बहुत सारे ऐसे सब, उनका भी करा तो क्या उनका भी हटेगा? उनका भी हटना सर है, परफॉर्मा में है भी, हम दिए भी हैं कि इसमें देखिए 5-6 कारण है, जो अगर जैसे पहला कारण है कि अगर कोई सरकारी सेवा में है परिवार का कोई सदस्य तो उनको राशन कार्ड नहीं बनना है। दूसरा हमारा है कि 5 एकड़ से अधिक, अगर 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है उनका भी राशन कार्ड नहीं बनना है। किसी परिवार के किसी सदस्य के नाम से 4 पहिया मोटर वाहन है तो उनका भी राशन कार्ड नहीं बनना है। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन अगर किसी के घर में है तो वैसे व्यक्ति भी संपन्न सुखी संपन्न माने जाते हैं, उनका भी राशन कार्ड नहीं बनना है। इसके साथ साथ अगर कोई आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर देता है उनका राशन कार्ड नहीं बनना है। साथ साथ अगर किसी का मकान पक्का का है और 3 कमरा या 3 कमरा से ज़्यादा है तो वैसे भी लोग धनी वर्ग में आएंगे।